हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास अलेवेंथ एंड आई एमति पारिक बच्चों टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज डाइजेस्टिव ग्रैंड्स कीवन ऑट प्लेज नंबर टू सिक्सटी एंड टू सिक्सटी वन ऑफ एन सी आर टी बच्चों अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बुक्स तो आई होप अगर कोई शॉप्स वगैरह खुल गई हैं आप ले सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल जस्ट बाय टाइपिंग एन सी आर टी बुक डाउनलोड पी डी एफ क्लास बायोलॉजी बच्चों अभी एक टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया था लास्ट टाइम उसमें हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक डिस्कस किया था उसके बाद एन में जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन है मैंने अभी वो टॉपिक किसी वजह से स्किप किया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड उसके बाद हम उस टॉपिक को कवर करेंगे सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़ मैं फिर से बता देती हूँ मैंने जो पेज नंबर 259 पे आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने उसके लास्ट पैराग्राफ को छोड़ते हुए 260 तक छोड़ा है और उसके बाद 260 पे स्टार्ट हो जाता है आपका टॉपिक डाइजेस्टिव ग्रेंड्स ओके दैट इज सिक्सटीन पॉइंट वन पॉइंट टू मोर क्लियर कर देती हूँ मैं मैं आपको अभी ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक के कवर करवाने के बाद हम आपको वापस से वो टॉपिक आपको पढ़ा देंगे ठीक है बेटा ओके सो so, डाइजेस्टिव ग्रेंड्स बेटा देखिए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं द फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स ओके आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये सलाइवा रिलीज करती हैं सो द वेरी फर्स्ट ग्लैंड आर सलाइवरी ग्लैंड्स ओके द नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द थर्ड इज स तो बेटा ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं जो खाने को पूरी तरीके से बचाने में हेल्प करती हैं अब हम इन ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे ओके सो द फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स आप साथ, साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और जहाँ आपको थोड़ा सा लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीआरटीस से आप उसको बुक में भी स्टिकी नोट्स की हेल्प से लिख सकते हैं नहीं तो आप अपना एक रजिस्टर इसके लिए मेंटेन कर सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं उसे हम सलाइवा कहते हैं एंड दिस सलाइवा इज मेनली सिक्रिटेड बाय द थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ओके सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पेयर्स मींस इन टोटल सिक्स अब उनके नाम क्या क्या है देखिए द फर्स्ट इज पेरोड द सेकेंड इज सब मेंडिब्यूलर सब मैंब्यूलर एंड द थर्ड इज सबलिंगल अब इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ एक बार देखिए बेटा पेरोटेड ये कान के नीचे होती है अब कान के नीचे नहीं अभी आप टच करोगे बाहर नहीं इंटरनली बता रही हूँ मैं आपको पेरोटेड ग्लैंड ओके तो अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कान के आसपास जो कान के नीचे ये जो रीजन होता है इधर यहाँ पे पेरोटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब मैंब्यूलर मैंने कहा एक्सटर्नली नहीं ओके सब मैंब्यूलर जो हमारी लोअर जॉ होती है बेटा ठीक है उसे हम एक्चुअली मैंडिबल कहते हैं और ऊपर वाली जो हमारी जॉ होती है उसे हम मेगिला कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज बिलो द टंग ओके अब बेटा इन तीनों में से जो ग्लैंड है इट इज द लार्जेस्ट ओके सलाइवरी ग्लैंड में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है पेरोटेड सो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड और बेटा ये जो पेरोटेड ग्लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेंशन इट इज

घर पे मम्मी पापा से पूछ भी सकते हैं ये स्वेल हो जाती हैं और ये बहुत फिर दर्द करती हैं उसे हम मम्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द सब मैंप्यूलर ग्लैंड बेटा दे आर मीडियम साइज ग्लैंड ओके इनका जो साइज है वो मीडियम साइज है और लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ दे आर प्रेजेंट एट द एंगल्स ओके द लास्ट वन इज सब लिंग सो दे स्मॉलेस्ट वन ये लार्जेस्ट है ये मीडियम है दे आर स्मॉलेस्ट ओके एंड वेयर दे आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग ओके सो इनकी जो लोकेशन है वो है बिलो द टंग हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड ओके हमारा टॉपिक क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने तीनों के पहले नाम बताएवरी ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रिया देन हमने डिस्कस किया salivary glands के बारे में रिलीज करती है वी कॉल्ड हमारे पास थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है मीनस टोटल नंबर सिक्स

ऑफ़ द बॉडी एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन बेटा फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है वेयर इट इज लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द डायाफाम अब बेटा डायाफाम क्या है देखिए हमारे पास जो कैिटीज़ हैं हमारी दो कैटी हैं एक हमारी चेस्ट कैटी है एक हमारी एबडोमिनल कैिटी है ठीक है बेटा और जो डायाफाम है उसका काम क्या होता है कि हमारी इन दो कैिटीज़ को जैसे हमारी थोरेसिक कैटी है जो उसमें लंग्स हैं है, है ना और जो हमारी कैविटी है उसमें हमारा ये सारा सिस्टम जो है हमारा में होता है और जो होता है 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 ये इन दोनों को सेपरेट करता ठीक तो से नीचे okay? अब का मतलब क्या है जब भी हम लीवर का डायग्राम बनाते हैं तो हम लीवर का डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं है ना हम दो लोब बनाते हैं इसके एंड दीज़ आर कनेक्टेड ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है ऐसे बनाते हैं तो इसके ये दो लोग होते हैं ओके अब सुनिए बेटा अगर हम लीवर को कट करते हैं उसका अनोटमी करते हैं तो हमें बहुत सारे लगभग वन मिलियन के आसपास ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसमें से ये सिर्फ आपको एक दिखाई दे रहा है तो बेटा आप इनसे मत कंफ्यूज होना कि ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ये हैं वन मिलियन नो ये तो सेल्स हैं इस एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे ऐसे ये जो स्ट्रक्चर आप कंप्लीट देख रहे हैं ऐसे ऐसे वन मिलियन स्ट्रक्चर्स हैं और बेटा इन्हें हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स मतलब आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हिपैटिक लोब्यूल ओके और बेटा ये जो आप देख रहे हैं ना ये तो सेल्स हैं इसके अंदर ठीक है अब बेटा एक बात सुनिएगा कि ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर नाउ वाई इट इज सो बेटा जिस तरीके से हम एक सिंगल सेल को कहते हैं दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इस सेल के बिना कोई बेस नहीं है ये सेल ही है जिससे लाइफ बनी है मतलब सेल से छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सेल नहीं है तो कोई सिस्टम नहीं काम करेगा है ना इसी तरीके से बेटा लीवर के ये जो लोब्यूल्स हैं दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑफ लीवर मीन्स ये जो लोब्यूल्स काम करते हैं वही लीवर काम करता है ठीक है ये जो लोब्यूल्स का काम है एक लोब्यूल जो काम करता है वही सारे लोब्यूल काम कर रहे हैं और वही काम लीवर का है इसलिए एक छोटा सेल ना कह के एक छोटा सेल ना कह के कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है अब की बार एक बड़ी यूनिट को हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है लाइफ के लिए सेल जरूरी है सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता सेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लाइफ प्रोवाइड करता है इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऐसे ही लीवर जो काम करता है वो लीवर के लोब्यूल जो काम करते हैं वही लीवर काम करता है अब लोब्यूल कोई एक सेल ना होके एक अच्छा बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको दिखाया ये स्ट्रक्चर ठीक है इट इज टी एस ऑफ पार्ट ऑफ लीवर

शीत से कवर्ड है दिस इज कॉल्ड एज सेल जो भीशन बनाते हैं that is bile, है, हिपाटिक वर्ड लीवर, याद रखना। तो जो बाइल है वो सिक्रेट किया जाता है सेल से ठीक है सेल से बनने के बाद ये हिपैटिक डक्ट से होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है यहाँ मतलब इट इज गॉल्ड ब्लेडर ओके इट इज अस्ट्रक्चर वेयर द तो बाइल बनाता कौन है लीवर के सेल्स हिपैटिक सेल्स ठीक है वो अपने एक वे से होता हुआ डक्ट से होता हुआ वो स्टोर हो जाता है और कंसेंट्रेट हो जाता है कहाँ पे आके एक मस्कुलर सैक में जैसे हम क्या बोलते हैं गॉल ब्लेडर ओके अब देखिए जो गॉल ब्लेडर की डक्ट है अब आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में दिस इज गॉल ब्लेडर और ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है ये है ना दिस इज सिस्टिक डक्ट है ना ड ब्लेडर इज कॉल्ड एज सिस्टिक duct और बेटा ये जो आप देख रहे हैं ये है ना ये क्या है बेटा ये जो ducts हैं ये लीवर से आ रही हैं और बाद में ये आके एक ही जगह मिल जाती हैं आप एनसीआर के डायग्राम से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं ये देखिए इन्होंने क्या किया कि लीवर को दिखाया नहीं है सिर्फ समझा दिया ये देखिए ducts फ्रॉम लीवर है ना जो लीवर की ducts हैं वो और ये जो गॉल्व ब्लेडर की डक है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डकट ये दोनों आके एक पॉइंट पे यहां मिल गई हैं इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट ठीक है तो कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या है एक तो किस डक्ट की ओपनिंग है फ्रॉम डेवर और कौन सी डक्ट की ओपनिंग है सिस्टिक डक्ट की ठीक है मतलब लीवर कुछ सिक्वेशन डायरेक्टली भी लेके आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट में और कुछ वो लेकर आ रहा है वाया सिस्टिक डक्ट मतलब वाया गॉल गोल्बर ठीक है गॉल गोल्बेडर में स्टोर करके ओके एंड द लास्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज अब एक बार इस डायग्राम को फिर से ध्यान से देखे। देखें देखिए बेटा दिस इज ग्लैंड ओके लीफ लाइक स्ट्रक्चर और बेटा ये है पेनक्रिएटिक डक्ट ये देखिए ये पेनक्रिएटिक डक्ट है टेंथ में भी ये समझाया गया था अब ये जो पेनक्रिएटिक डक्ट है ये देखिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट थी कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों आके एक ही पॉइंट पे मिल गई है ना और बेटा इसे हम कहते हैं कॉमन

ठीक है और इसकी ओपनिंग को जो स्फिंक्टर गार्ड करता है आपने टेंथ में भी पढ़े हैं एनल स्फिंक्टर पढ़े हैं आपने स्टमक के पास एंड पे होता है उसका नाम है फिर से रिपीट कर देती हूँ देखिए लीवर की हैं गॉल गॉलबेडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट दोनों मिली कॉमन बाइल डक्ट दिस कॉमन बाइल डक्ट द विदेटिव डक्ट ओपन इंटू डिओडिनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन एज कॉमन हिपैटोटिक डे और इसकी जो ओपनिंग है ठीक है या इसका जो यहाँ पे मेटीरियल का जो लीवर से और जो पेंक्रिया से जो मेटीरियल यहाँ पे आएगा डिओडिनम में उसकी जो एग्जिट है ना इट इज गार्डेड बाई स्विंगटर मसल दैट इज कॉल्ड स्पिंग्टर ऑफ ओ डी ओके पेटा पेनक्रियाज हमें पता है ये दोनों फंक्शन होते हैं इसके एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन एंडोक्राइन मीन्स ये हार्मोन रिलीज करती है जो आपको आगे के चैप्टर्स में पता चल जाएगा मोर ओवर एक्जोक्राइन एक्जोक्राइन का मतलब होता है जो अपने किसी डक्ट के माध्यम से कोई सिक्रुशन रिलीज करती हो है ना तो जब ये एक्जोक्राइन की तरह बिहेव करती है तो ये अपने डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है जैसे हम कहते हैं पेनक्रिएटिक जूसेस ओके और जो एल्कोलाइन मीडियम में काम करते हैं और वो एल्कोलाइन मीडियम में से कौन देता है

जो पोर्शन स्किप किया है वो हम आगे की वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे ओके बच्चों थैंक यू